टाइम नहीं मिलेगा आपके पास। तुम क्या सोच रहे हो पंचवर्षीय योजना में आए हो क्या कि यहाँ एक चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद में एक महीने की छुट्टी, बेटा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ये कर लो, वो कर लो। यही कहानी है जैसे समथिंग लाइक आप एक शादी में गए, आपने वहां पर कुछ शगुन दिया, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब मैं सारा खा लूंगा। नहीं, कुछ ना कुछ छूटेगा। हाँ, यही कंपटीशन, इसी को तो बोलते हैं तैयारी। आपको अपनी तरफ से मैक्सिमम करके जानी है। फुल कोई तैयारी नहीं होती। डिफाइन 100% प्रिपरेशन। डिफाइन करो इसको कि कब आप एक बच्चे की प्रिपरेशन 100% बोल दो कि सर ये वाला। हाँ, तो अपनी छोड़ दो, अपनी छोड़ दो। तुम किसी रैंक वन जो पिछले सालों में IIT एडवांस की आई है, जिसकी रैंक वन, जिसके फुल मार्क्स आए हैं, उसकी भी 100% डेफिनेशन डिफाइन कर दो कि सर इसने ये किया था, दैट इज द 100% डेफिनेशन प्रिपरेशन। कुछ नहीं होता 100%। मतलब सर द ग्राउंड रियलिटी इज कि हम कभी भी पूरी तैयारी कर ही नहीं सकते। फील कीजिए इस बात को। अपनी तरफ से मैक्सिमम करनी है, अपनी तरफ से। और अपनी तरफ से मैक्सिमम क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता ना आपके बाजू वाले कमरे वाला वो कितनी प्रिपरेशन कर रहा है, उसने कितनी किताबें ली है, वो कितने घंटे पढ़ रहा है। तो आपको अपना मैक्सिमम अटेन करो। वरना अगर ऐसे ही होता तो भैया सर आप हमें बता दो कि ये वाली बुक ले लो, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मैथमेटिक्स में इतने 500 PYQ या 500 सवाल लगा लो एक चैप्टर के, ये 100% है क्या? नहीं, ऐसा कोई डिफाइन कर ही नहीं सकता। तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम मिलेगा कभी नहीं ध्यान। और आपको इन दिनों में टाइम बहुत मिल रहा है, क्योंकि एक बार अगर मैं थोड़ा सा फ्री हो गया या होने वाला हूं थोड़े दिनों में, तो आगे आने वाले टाइम में तो मैं और 15 दिसंबर के बाद में तैयार रहिएगा। तो अभी आपको टाइम मिल रहा है, इसको यूटिलाइज कर लो। तुम सोच रहे हो कि सर एक बार आप अपना खत्म कर लो उसके बाद में हम अपना चालू करेंगे, ऐसा तो दिन कभी नहीं आएगा। और जितने बच्चों से मैंने बात की, जितने भी बच्चों से मैं मिला हूं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और उस टाइम या उस मूवमेंट के बाद में उन्होंने सीधा बोले पेपर फोड़ के रख दिया। और अभी तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहे हो। तुम बोल रहे हो कि सर मैंने कोई काम बोला, बोले सर टाइम नहीं है। मैंने बोला PYQ कर ले, बोले कहां से करें चाचा, क्लास होती है। जैसे ये लोग जो आए हुए थे IIT दिल्ली से, उस दिन जो लड़के आए थे, तो क्लास के बाद में उनसे मैंने बात की, तो वो बोल रहे थे कि सर एक पार्ट था कि जहां पर हमारे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है और IIT में पहुंचना है, हम पहुंच गए हैं। मैंने कहा अब कैसे चल रही जिंदगी? बोले सर अब एकेडमिक प्रेशर है। ठीक है, मतलब वो एक प्रेशर से निकले फिर दूसरे प्रेशर में, अब एकेडमिक प्रेशर है, अच्छा परफॉर्म करना है सर, नौकरी लेके निकलना है, और साथ साथ में वहां पर करियर वाइज कोई टेंशन नहीं है। तो आप एक टेंशन से मुक्त हुए, दूसरी आपके सामने आ गई। इसी का नाम जिंदगी है। एंड ऑलवेज बी रेडी फॉर दिस। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया। और इंसान का जो ये भिड़ने वाला एटीट्यूड होता है ना, यही उसको जिंदगी में आगे लेके जाता रहता है कि कोई बात नहीं, देख लेंगे, जो भी आएगा सर सब देख लेंगे, आप टेंशन ना लो। और एक जो सबसे बड़ी बात सभी बच्चे बोलते हैं जितने भी हैं, एक NIT त्रिची में पहुंचा हुआ है, और IIT रुड़की वाले जो लड़के हैं, IIT कानपुर वाले हैं, IIT दिल्ली वाले, ये सभी यही बोलते हैं कि सर जो बेस्ट फेज था वो प्रिपरेशन फेज था। वहां पे टीचर्स इतने अच्छे से पढ़ाते थे और हमें पढ़ने में मजा आता था, ऑल्दो हेक्टिक सिचुएशन थी, बट सर अब कोई नहीं पढ़ाता है, अब खुद को पढ़ना है। PDF डाउनलोड करो नेट से, टॉपिक देखो, सिलेबस का सिर्फ एक टॉपिक बता दिया जाता है। प्रोफेसर आते हैं IIT में और वो बड़े ही मतलब ठीक ठाक ढंग से ही पढ़ाते हैं, मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपको अगर समझना है तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझना है तो दैट इज योर चॉइस। बस मेहनत करते रहिए, पूरी जिंदगी के लिए मेहनत करते रहिए। समझ में आएंगे नहीं समझ? आपको अगर किसी बच्चे की जिंदगी का हाल जानना है तो उसकी किसी भी कॉपी का लास्ट पेज, मतलब कॉपी पूरी खोलो उसके लास्ट पेज पे चले जाओ,